गाइस मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, थर्ड ओडीआई था। इंडिया पहले ही इस सीरीज से बाहर हो चुकी थी, मतलब दो मैचेस पहले हार चुकी थी, बट फिर भी ये मैच इज्जत बचाने के लिए था। लास्ट मैच में इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी चूज़ की, जो कि शायद पिछले दो मैचेस से भी इंडिया चाहती थी। प्लान के मुताबिक सब कुछ तो नहीं रहा, बिकॉज पहले धवन की विकेट गिर गई 16 रन पे, जैसे तैसे 33 रन बनाए शुभमन गिल ने। कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली 63 रन की, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था, बॉलिंग थोड़ा ज़्यादा ली, बट फिर भी टिक्के खेलते रहे। उसके बाद शेष अय्यर 19 पे आउट हो गए, 5 रन पे आउट हो गए केएल राहुल। एक वक्त पे 150 पे इंडिया की 5 विकेटें गिर चुकी थी। उसके बाद एक ऐसी पार्टनरशिप लगी जिसने इंडिया को इस मैच में जिताने के लिए 90% सपोर्ट दिया, बिकॉज वो पार्टनरशिप नहीं लगती तो इंडिया मैच जीत ही नहीं रही थी कहीं से। 150 रन की पार्टनरशिप लगी हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के बीच में। हार्दिक पांड्या ने करे 76 बॉलों पे 92 रन एंड 50 बॉलों पे 66 रन करे रविंद्र जडेजा ने। बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ही 150 की पार्टनरशिप आई और इंडिया का ओवरऑल स्कोर हो गया 302 5 विकेट के नुकसान पे। अब जब बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम तो पहले ही लड़खड़ा गई, लबुचाने की विकेट दे गई, क्योंकि वार्नर नहीं खेल रहे थे उनके जगह लबुचाने बैटिंग कर रहे थे ओपनिंग 7 रन पे। फिंच ने बहुत अच्छी पारी खेली 82 पे 75 करे, एक तरफ से संभल के खेल रहे थे बिकॉज उसके बाद स्टीव स्मिथ आउट हो गए 7 पे, हेनरी केस 22 पे, तो उसके बाद फिर फिंच की विकेट गिरनी थी बिकॉज एक तरफ से लगातार विकेटें गिर रही थी। उसका कैमियो ग्रीन ने 21 रन की पारी खेली, एलेक्स कैरी ने 38 रन की पारी खेली, बट एक स्टेज पे यहाँ पे मैच बिल्कुल फिनिश हो चुका था, इंडिया के पक्ष में आ चुका था, बट फिर आई मैक्सवेल की पारी 38 बॉलों पे 59 रन की, जिसने एक पल के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैच को झुका दिया था बिकॉज 45 बॉलों पे 50 रन ही रह गए थे और बहुत ही आसानी से टारगेट चेज हो रहा था, बट वहाँ पे बुमराह की यॉर्कर आती है और मैक्सवेल बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद एस्टन एगर जो कि मैक्सवेल के साथ टिक्के खेल रहे थे 28 पे 28 करके, बेशक बॉलर थे बट बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो भी आउट हो जाते हैं। देन यहाँ पे मैच पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब और 4 रन करके ठाकुर की बॉल पे चले जाते हैं, शार्दुल ठाकुर की बॉल पे, और बुमराह की बॉल पे एडम जैम्पा LBW होते हैं और 13 रन से मैच इंडिया जीत जाती है। 289 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो जाती है, बुमराह 2 विकेट लेते हैं, टी नटराजन भी 2 विकेट लेते हैं, शार्दुल ठाकुर 3 विकेट लेते हैं, कुलदीप यादव 1 विकेट और रविंद्र जडेजा 1 विकेट। 2-1 के साथ सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती बट लास्ट मैच इंडिया जीतती है 13 रन से। लाइक एंड शेयर प्लीज एंड सब्सक्राइब माई चैनल।